तो इंस्ट्रक्शनल टेक एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अमोल आज आपके लिए फिर से एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, जो कि हर एक शिक्षक के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। खास करके मैं बीएड बच्चों के लिए इंटर्नशिप के दौरान ये अगर टूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव तरीके से अपने बच्चों को का इवेल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स के ऊपर, जैसे मल्टीपल चॉइस हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के प्रकार के द्वारा हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कम से कम समय में हम लोग किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने टेस्ट को या अपने इवेल्यूशन शीट को किस तरह से तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देने वाले। तो चलिए दोस्तों, आप मेरे चैनल पर बने रहिए, हम लोग देखेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपने ये टूल्स यूज़ किया तो ज़रूर कमेंट में कहिए कि आपको कैसे लगा ये टूल्स। तो चलिए दोस्तों, हम लोग गूगल पे जाते हैं, गूगल पे कॉन्कर ये ऐसे वर्ड डालते हैं। जैसे हम लोग कॉन्कर को सर्च करते हैं, हमारी सबसे पहली जो विंडोज ओपन हो जाती है उसको हमें क्लिक करना है। जैसे आप कॉन्कर के बारे में जानकारी लेंगे तो हमें इस जगह पे इस तरह से एक इंटरफेस हमें दिखाई देगा। तो इसके ऊपर जाके लॉन्च को कॉन्कर के ऊपर ये करना है। फिर उसके बाद लॉन्च कॉन्कर के ऊपर जाने के बाद लॉग इन टू कॉन्कर विद आप लोग गूगल, अगर जीमेल अकाउंट होगा तो जीमेल अकाउंट से आप लोग उसको एडिट कर सकते हैं या उसमें एंटर कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल आपका ऑप्शन देना पड़ेगा और फिर उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपका कॉन्कर का अकाउंट जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल में आपका अकाउंट तैयार होगा। जैसे ही तैयार होगा तो आपको पूछा जाएगा कि आप एजुकेटर हो, स्टूडेंट्स हो, पर्सनल हो या प्रोफेशनल। हम लोग एजुकेटर है तो एजुकेटर लिखते हैं। आपको पूछा जाता है आप कहाँ के हो, तो हायर एजुकेशन टीचर हो तो आपको हायर एजुकेशन टीचर्स लिखना है। और टर्म्स एंड कंडीशन को क्लिक करके हम लोग कंप्लीट सेटअप की तरफ जाते हैं। जैसे ही हम लोग कॉन्कर के ऊपर लॉग इन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से एक इंटरफेस दिखाई देता है। जैसे कि आप इस जगह पे देखेंगे तो क्रिएट है, एक्सप्लोर है, एक्टिविटी, इसमें हम लोग बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं जो कि पहले से ही बनाए हुए, अगर कोई आपकी क्विज होगी तो वो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप क्रिएट करना चाहते हो तो क्रिएट के ऊपर क्लिक करना। इस जगह पे आपको एंटर टॉपिक दिया है, कस्टमाइज और जनरेट, इस तरह से तीन बटन दे तो हम लोग चलो क्रिएट करते। क्रिएट जैसे करेंगे तो हमारे सामने इस तरह से एक दिखाई देगा, क्रिएट अ कॉन्कर क्विज। और इस जगह पे जाके हमें उस टॉपिक के बारे में, अगर आप देखेंगे तो अलग अलग सब्जेक्ट के भी बहुत सारे एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं। जैसे इंग्लिश का है एनिमल फार्म्स है, बायोलॉजी का प्लांट सेल स्ट्रक्चर है, हिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, ज्योग्राफी का वर्ल्ड रिवर एंड माउंटेन्स है। तो ऑलरेडी बनाए हुए बहुत सारे टेम्पलेट्स भी है क्विज के, तो उसको भी इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आज अलग मतलब एक किसी एक टॉपिक के ऊपर करने वाले हैं तो हम लोग इस जगह पे जाके क्लिक कर दे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के लिए के बाद सर्च सेटिंग्स आपको जरूर करनी है, ये बात बिल्कुल भूलना नहीं। तो सर्च सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या बोला जाता है कि ग्रेड लेवल कौन सी, तो हाई स्कूल होगी तो हाई स्कूल, मिडिल क्लास होगी तो मिडिल क्लास या एलिमेंट्री। करिकुलम लैंग्वेज कौन सी है, तो इंग्लिश और स्पेनिश में बना सकते, तो हमारी इंग्लिश है और इसको हमें सेव सेटिंग्स में करना है। तो ये हमें क्लियर करना है कि हमें किस मतलब स्टैंडर्ड के ऊपर हमें क्लिक मतलब ये बनानी है। तो जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं उसके बाद मैं टॉपिक डालता हूं टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इस जगह पे जाके मैं टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन डालूंगा और उसके बाद जैसे और नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट करने के बाद मुझे एक तो पूछा जाता है कि क्विज टाइप कौन कौन से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछने या मिक्स पूछना या रीड एंड रिस्पॉन्स और फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपके ऊपर है, अगर आप मिक्स प्रकार के क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मिक्स पूछ सकते हैं, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रखना चाहते हैं तो मल्टीपल चॉइस, या रीड एंड रिस्पांस के जैसे क्वेश्चंस भी आप लोग रख सकते हैं। तो मैं मिक्स रखता हूं। उसके बाद मुझे ग्रेड पूछा जाता है। ग्रेड पूछने के बाद मैं सपोज फिफ्थ स्टैंडर्ड बोलूंगा और लैंग्वेज इंग्लिश ऑलरेडी हमने दी है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जनरेट इस बटन के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट बटन के ऊपर क्लिक करते तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमारे सामने टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन के ऊपर हमारे सामने इस तरह से एक बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेमवर्क करके हमें मिलते। अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी जो सही आंसर है उसको ग्रीन कलर से मतलब दिखाया गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हर एक क्वेश्चन अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वैलिड आंसर विद गूगल सर्च। तो जो भी आंसर है उसको हम लोग
वैलिड सोर्स के तौर पे सल्फर डाइऑक्साइड अगर इसका आंसर है तो हमें मेजर मतलब व्हाट आर द मेजर कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, तो उसका हमें सर्च गूगल पे हम लोग करके वैलिडिटी उसकी कर सकते। तो हर एक क्वेश्चन के लिए उन्होंने दिया है। साथ ही साथ अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं। जैसे इस जगह पे देखिए, इस जगह पे क्लिक टू लिसन भी ऑप्शन दिया है, जो कि ब्लाइंड बच्चों के लिए अगर होंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि जैसे हम लोग उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो जो भी क्वेश्चन है वो व्हाट इज अ कॉमन सोर्स ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। ऑप्शन ए पॉलन, ऑप्शन बी सिगरेट स्मोक, ऑप्शन सी फैक्ट्री एमिशंस, ऑप्शन डी व्हीकल एग्जॉस्ट। तो इस तरह से मतलब ऑडियो की फैसिलिटी भी दी है। हम लोग एग्जिट करते हैं, एग्जिट करने के बाद हमारे सामने फिर से एक बार दिखाई देगा आपको। अगर आपको किसी क्वेश्चन को आगे लेके जाना है तो आप ड्रैग भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी दी गई है। और इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बना फ्रेमवर्क कर सकते हैं। अगर आपको अलग आप उस सब्जेक्ट के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक के ऊपर अगर बनाना है तो इस जगह पे आपको लास्ट में जाने के बाद आपको बहुत सारे टॉपिक दिखाई देंगे जिसके ऊपर आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप लोग क्विज तैयार कर सकते हैं। तो ये क्विज तैयार होने के बाद आपको क्या करना है, शेयर बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो शेयर बटन के ऊपर आप क्लिक करने के बाद आप कॉपी लिंक कर सकते हैं, इस जगह पे एम्बेड कोड में आ जाएगा, क्यूआर कोड बना सकते हैं, इसको क्विज का प्रिंट बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर गूगल फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो बहुत ही कम समय में ये जो है वो गूगल फॉर्म में भी कन्वर्ट करके देता है। तो आप गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करके भी वो इवेल्युएशन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है कि जो बहुत ही कम समय में हम लोग कॉन्कर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बने हुए क्विज को हम लोग गूगल फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। और गूगल फॉर्म में ट्रांसफर होने के बाद हम लोग उसमें अपने मन से अगर कुछ एडिट करना है या कुछ चेंजेस करने हैं तो भी हम लोग उसके चेंजेस कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से गूगल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। हालांकि उसको होने के लिए बहुत ज्यादा मतलब टाइम लगता है, क्योंकि वो मॉडिफिकेशन एज इट इज इफ कॉन्कर का मॉडिफिकेशन वो दूसरी जगह पे करता हुआ दिखाई देता है। तो हम लोग वेट करते हैं, थोड़ी देर बाद देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो, व्हाट इज हैपनिंग। तो जैसे ही हम लोग देखते हैं तो हमारे सामने देखो ओपन क्विज इन गूगल फॉर्म, और हम लोग क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से एक गूगल फॉर्म तैयार हो जाता है जो टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूशन, अगर आपको उसमें चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको सेम यूज करनी है तो आप लोग इसी ही टॉपिक को आगे लेके जाके आप लोग उसका इस्तेमाल करके आप लोग उसको भी गूगल क्लासरूम में सेंड कर सकते हैं, गूगल अपने कलेक्टेड ईमेल मतलब फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ऐसी कॉन्कर वेबसाइट है जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम लोग कोई भी टेस्ट जो है वो अपने टॉपिक रिलेटेड बहुत ही कम समय में बन सकते। आशा करता हूँ कि अगर आपको बहुत ही पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड ऐसे टूल्स के साथ हमारे साथ जुड़ जाए। धन्यवाद।